आप देख रहे हो बॉलीवुड में बैटरी वाल और आपने सामने खड़े हैं फिल्मी सिकंदर और अशोक भाई, तो उनको पूछना चाहेंगे सलमान खान का। देखिए मैं आज बोलने वाला हूँ सलमान खान की मूवी सारे जहाँ अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा, जो कि राकेश मिश्रा के बायोपिक मूवी है और ये मूवी सिद्धार्थ रॉय कपूर जो कि इनका भाई है, आदित्य रॉय का बड़ा भाई जो सिद्धार्थ रॉय कपूर जिसने प्रोड्यूसर है। सही है। और रही दूसरी बात की, ये जो है मूवी सबसे पहले जो है आमिर खान सर के पास गई थी जी, इन्होंने उनको स्टोरी पूरा जो है उनको जो है मतलब है पूरा उनको जो भी है उनको स्टोरी बताई, उन्होंने पढ़ा, सब कुछ हुआ। बाद में लास्ट में वो या तो टाइम नहीं है या तो कुछ नहीं है, इसके वजह से उन्होंने आगे कर दिया। तो उसके बाद जो है लास्ट में जो है शाहरुख खान सर के पास गई, उन्होंने भी थोड़ा दिन तक रखा, उन्होंने भी हो लास्ट में जो है ना कर दिया। अब लास्ट में जो है सलमान खान सर के पास जो है भाईजान सर के पास ये मूवी गई और उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्होंने अच्छा लगा तो उन्होंने देखा कि राधे जो है मेरी मार्च में जो है इसकी शूटिंग ख़त्म हो जाने वाली है, इसके बाद जो है उनके पास टाइम कुछ बचेगा, इसके लिए ये मूवी जो है उन्होंने साइन कर दिए हैं, बात चालू है और जहाँ तक हो सके वो साइन ही कर देंगे, क्योंकि पूरा मतलब सबको ये हो गया है, यकीन हो गया है कि उन्होंने ये मूवी साइन कर दी। और ये जो है पहली स्पेस जो है राकेश मिश्रा जो थे वो अपने दूसरे दुनिया में गए थे उसके ऊपर ये मूवी है, तो कुछ सोच के ही भाईजान ने सलमान खान सर ने ये साइन की हो, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट लाया। हाँ, भारत मूवी के बाद एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा उनका। हाँ, नया अवतार। हाँ, नया अवतार जो है मतलब कुछ अलग तरीके का, मतलब है जैसे हम लोग मिशन मंगल अक्षय सर की मूवी देखे थे ऐसी कुछ स्टोरी रहेगी और देखने में भी अच्छा लगेगा, जो कि राधे और जो है ईद कभी दिवाली जो है इसके आस पास में उसके गैप में हो या लास्ट में 2021 में कभी भी या 2022 में भी अगर थोड़ी बहुत बड़ी हुई तो मेरे को ऐसा लग रहा ना कि राधे जब शूटिंग हो जाएगी पूरी मार्च में इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ऐसा लगता है कि उनके पास कोई है नहीं, हाथ में कुछ काम नहीं रहेगा और बिग बॉस भी नहीं है, तो हो सकता है उनके बीच ये मूवी जो है सारे जहाँ से अच्छा की शूटिंग हो सकता है, चालू हो सकता है और उसके साथ में कभी कभी दिवाली और अगले साल 2021 में एक न्यूज आ रहा है जो कि आयुष शर्मा उनका बहनों ही है और सलमान सरदार के पुलिस के रोल में देखेंगे, वो भी मूवी के लेके थोड़ा न्यूज आया है तो उसका नाम वम तो अभी नहीं आया है लेकिन वो भी एक मूवी करने वाले हैं, उसकी भी कभी शूटिंग होएगी ये नहीं है लेकिन उसके अंदर सरदार का रोल का काम कर रहे हैं, जैसे लाल सिंह जड्डा में जैसे आमिर खान भी सरदार बने काम किए और अक्षय कुमार सिंह में सरदार बने, तब पहली बार सलमान खान सरदार बनने जा रहे हैं। हाँ तो बहुत है ये, ऐसे दो तीन खबरें अच्छी है सलमान खान सर ने दिया हमको और ये जो है दो तीन मूवी जो है 2021 और 2020 के आसपास आएगी तो बहुत अच्छा है गाइड्स। ये जो है बस आप लोग जो भी है बस हम लोग को जो रहता है आप लोगों के सामने लाते हैं, जो भी मालूम पड़ा आप लोग के सामने रखा, आगे जो है जो भी मिलेगा आप लोग को हम बताएंगे जरूर।